हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड यस, मैं रैली ऑफ हिमालय में नहीं गया था। एक्सट्रीमली सॉरी कि वहाँ की वीडियोज़ नहीं आ पाई मेरे वहाँ से, पर फिर भी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना रील उसके रैली के, वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हूँ मैं हीरो शोरूम में और यहाँ पे हैं कार्तिक भाई, बंदे बिजी हैं। और देख सकते हैं आप रेस मोटो वाले और ये जंकी, ये तो भाई पोडियम वाले बंदे हैं, ओवरऑल सेकंड वो जा रहे थे। क्लियर कटिंग गाइस, कुछ वीडियोस अभी शेयर हो रही है मेरे वहाँ पे, फिर मैं एडिट करके इसी वीडियो में चिपका देना सकता हूँ। क्योंकि भरत भी आया था इस बार बैकअप में, भरत से पूछते कैसा रहा एक्सपीरियंस। भरत सर, तो सोने का एक्सपीरियंस, इंपल्स को क्या हुआ? सोने का इंपल्स को क्या हुआ? कुछ नहीं आया भाई, भी गए थे बैकअप में, वो आया भी गए थे। हाँ, एक बार वो बड़ा सा रॉकेट है ना, तब वो देखना चाहे पिकअप। गियर मर जाएगा जल्दी बाकी। फाइनली बंदे हो गए हैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार, बाकी अभी के सीन्स। कार्तिक भाई कर रहे हैं काम अपना, और भाई भी लगे अपना काम करने, सब लगे। वो एक ही दो बंदे बेले बैठे, तीन चार बंदे हैं मतलब बेले बैठे हुए यहाँ पे ना, जैसे कि रैली ऑफ हिमालयाज के ओवरऑल जो सेकंड आए बंदे मिस्टर रोन, नहीं चेकर यार दे। हाँ बोल, फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत मज़ा आया। एक्सपल्स का मतलब अंत ही कर दिया था, बिल्कुल अंत। वीडियोज में देखना एक्सपल्स मतलब लास्ट लिमिट थी, मतलब ओवर द लिमिट्स में था एक्सपल्स। तो चलो, हमने मेहनत की, हमने बाइक की इज्जत की, हमको वापस रिस्पेक्ट दी, और क्या बोले आप, पूछो क्या पूछना चाहते हो। पुरानी रैलीज की तरह क्रैश हुए इस बार या बच गए? SS2 में पहले दिन ही पहला क्रैश हो गया छतरू के 12 किलोमीटर बाद, और इतना बड़ा पत्थर आया और पूरा फ्रंट रिम बेंड कर दिया उसने मेरा। तो मैं आपको ये आपके रिम की फोटो भी अटैच कर देगा, बस आप रिम देखो। आप तीन दिन उसी रिम के साथ रैली कंटिन्यू की है, बट इतना मजा आया, मतलब पहली बार मजा आया इतना, मतलब लगा कुछ किया जिंदगी में। अच्छा जी, चलो ये भी सुन लिया। अब ये बताओ ना, टफेस्ट ओपोनेंट कौन था आपका? टफेस्ट ओपोनेंट ऑब्वियसली 450 वाले, तो किसी के साथ कम्पीट कर नहीं सकते थे। तो जितने भी इंडियन बाइक्स में थे ग्रुप बी से ग्रुप डी तक और एक्स कैटेगरी, सारे कम्पिटिटर्स थे। ऐसा नहीं है फाइट करने में कर सकते, बट 450 के ऊपर बस महादेव और कोई नहीं। ठीक है। और बाकी बैकअप वगैरह कैसा था? बैकअप वाले बंदे हमारे एक ही थे, थोड़ा एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा है, फुल थ्रॉटल के राज मिस्टर कार्तिक, वो देखिए परे। और पता नहीं कितने रहते हैं। और राहुल धीमान, फ्रेश स्टार्ट किया इन्होंने रैली में, फर्स्ट रैली में बैकअप, बट ऐसा है कार्तिक भाई मेरे फुल सपोर्ट करते हैं सब जगह, हर सिचुएशन में, मतलब कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है भाई आगे समझा देता है, बस इनकी वजह से भी काफ़ी हुआ। और बाकी मैं टीम को थैंक्स करना चाहूँगा, राहुल भैया हमारी टीम टीआरटूसी इंडिया, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा, कि मतलब काफ़ी वो मतलब सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और थैंक्स टू वेम सिमरला सर एंड आकाश सर ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग द सिम रैली ऑफ हिमालय 2023। थैंक यू फॉर एडवेंचर सोसाइटी, जिसने काफ़ी सपोर्ट किया, ये मतलब काफ़ी कॉल्स करके मतलब पुश कर रहा था, क्योंकि ये तो आपको पता है जॉब लग गई इसकी, HDFC बैंक में बड़े बंदे हो गए हैं, नहीं नहीं फ़ोन करके काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे पीछे, तो मतलब जो भी रहा सही। और आइए ये पंकज भाई से मिलाते हैं आपको। पंकज भाई हेलो करो। इन्होंने जाने से पहले मेरे को एक टी शर्ट, राइडर की टी शर्ट और एक सनग्लासेस गिफ्ट की थी, फर्स्ट मतलब अभी मार्केट में लॉन्च हुई है बस, तो काफ़ी सपोर्ट दिया। इंटरव्यू देख लिया आपने बंदे का, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी विनर्स को। और अभी के सीन्स, ये भी बाइक यहीं पे है भरत की, वो वाली बाइक भी भरत की यहीं पे है, हमें स्कूटी भी यहीं पे है। तो अभी हम स्कूटी और एक बाइक लेके जा रहे हैं, जैसे बुलेट को घर पे रख के आएंगे और स्कूटी में आएंगे हम दोनों वापस,
फिर इसके साथ और स्कूटी के साथ देखते हैं राइड मारने जाएंगे छोटी सी। और आकाश भी है पर वो घर गया हुआ है ना अभी, तो बाद में आएगा। ये रहे भरत के बूट्स, टेक वन एल्पाइन स्टार्स। और कार्तिक भाई शॉप कितने बजे क्लोज करेंगे आप? 6 बजे। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर, बाकी पार्टी पेंडिंग है आपकी भी। तो गाइस अभी के सीन्स, भरत के घर बाइक छोड़ आए हम, छोड़ दिए बाइक। और मुझे आ रहा है कॉल, एक मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी ऑटम सीजन शुरू हो रहा है ना, इसलिए हवा में येलोइश कलर का ग्रेन दिखेगा आपको, उसको बोलते हैं पोलन, जो जिससे हम दोनों को एलर्जी है वही बर-बर के कीड़े। चलो हम निकलते हैं नीचे को ना, बंदे इंतजार कर रहे हैं हमारा। एंड गाइस इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, नाम लिखाने का टाइम नहीं मिल रहा था, आज लिखाई दिया। और अभी इस वाले हेलमेट में भी आएगा आंसर रेसिंग में एक, और एक फास्ट हाउस का स्टिकर है वो भी छप रहा है, वो है वहाँ पे, जब छप जाएगा तब दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, आशुतोष ए पॉजिटिव, दूसरे दिखा वाला ये है ना, इसलिए स्टिकर गाइस फास्ट हाउस रेस मोटो, इसके साथ ही जर्सी वो बैग में डाली हुई घर जाके दिखाते हैं, पर ये स्टिकरिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी मैंने अपनी स्कूटर पे भी लिखा दिया है। और निकलते हैं अब, वहाँ कार्तिक भाई भी इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी लवली गुड मॉर्निंग। और पिछले कल का डे मतलब जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि बॉयज़ नाइट समझ सकते हैं आप, मैं भरत और आकाश थे। और यस लवली गुड मॉर्निंग फिर से, क्योंकि टाइम अपडेट इट्स 11 AM। और अभी के सीन्स, अभी है मेरे घर में और नाम यहीं थे कल, पिछले कल रात को आकाश भी यहीं पर था। तो एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, चेक दिस आउट, कबूम एल्पाइन स्टार्स टेक 7 सीरीज एंड्यूरो। और ये देखो गाइस, ये वाला टायर तो देखा हुआ है ना आपने, गोप्रो में वैसे बैटरी नहीं है तो मैं पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। ये है पिरेली स्कॉर्पियन MX 80 112, ये वाला है ब्रिजस्टोन 60 112, और दिस वन इज़ मैक्सिस 60 112। ये दोनों फ्रंट टायर्स हैं, ये वाला रियर टायर है। फिर मैम कैसे लगे टायर आपको? बहुत अच्छे लगे, कैंट वेट टू यूज देम ऑन डर्ट, सो वहाँ पे आपको इसलिए रिव्यू मिलेगा। बिल्कुल, बाकी ये तो फिर बिल्कुल अभी अपनी वैन में ना स्टिकरिंग भी करनी है, वो खड़ी है वैन पर है, उसमें स्टिकरिंग भी करनी है थोड़ी, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस भरत लाया था रैली ऑफ हिमालय से कुछ स्टिकर, ये गया हुआ था रैली ऑफ हिमालय के लिए, मैं नहीं गया था। और उसके पीछे का कारण, क्योंकि मैंने HDFC बैंक ज्वाइन किया है। यस बस वो मतलब ऐसे ही है ज़्यादा, मतलब ये है कि मेरे वीकडेज बहुत बिजी होते हैं, मैं सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बिज़ी होता हूँ, इसलिए वीकेंड का ही टाइम है अपने पास वीडियो शूट करने का। बाकी के सीन्स अभी स्टिकरिंग वगैरह कर रहे हैं वैन में, थोड़ी बहुत जो जो स्टिकर्स पड़े हुए थे स्टॉक में हमारे वो लगा देते हैं। ये है एक्सट्रीम ऑफ रोड, ये यहाँ पे लगेगा ना, लगा के देखो बोले, ऐसे ही रखो बोले एक बार, यहाँ पे शॉर्टकट ट्राई लेते हैं, ये ऐसा लगेगा। और गाइज ये लग चुका है स्टिकर, एक वहाँ पे भी लगा दिया, सोनू भाई टीम स्पीड स्ट्राइकर्स। और यहाँ पे TR2 वगैरह के भी है राहुल भाई के स्टिकर्स, रेस के, ये हाइप का। और गाइज चेक दिस आउट, ये रहा हमारा नया लुक, यहाँ पे TR2 रेसिंग, दिस इज रेस की प्रोलिंग, यहाँ पे हाइप लिक्विमोली बड़ागढ़ ऑटोक्रॉस BMC TR2 अगेन स्पीड स्ट्राइकर्स एडवेंचर्स हब फुल थ्रॉटल एंड सोनू स्पीड स्ट्राइकर्स यहाँ पे फुल थ्रॉटल और रेस कीप रोलिंग का एक स्टिकर अंदर हुआ। नाइस ऑल डन, अब लगाते हैं अपने धनुष पे। गाइस मौसम एकदम से चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप है गर्मी। और ये किए जी हमने थोड़ी बहुत इसमें स्टिकरिंग, इसमें रेस का स्टिकर लगाया पुलिस साइड, अब बाद में दिखाऊंगा आपको। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हाइप का TR2 का, यहाँ पे भी TR2 है, वहाँ पे छोटा सा बड़ा गढ़ है,
बड़ा ग्रो और इस साइड उमसर रेलिंग, ये तो पहले गई है, ये लगा ये लगा ये लगा ये लगा और ये वाला बोर्ड तो दिख रहा है वो जगह छोटा सा, बाकी नहीं कि भाई ही इज चैलेंजिंग यू। बाकी एक और चीज़ दिखानी थी मैंने आपको, चेक दिस आउट, ये मेरे को स्टिकर कलेक्शन का बहुत शौक है, तो मैं यहाँ पे ये बोर्ड ही बनाया, मैंने खुद बनाया ये बोर्ड पेंट पुंट करके, यहाँ पे हैंगिंग के लिए ये भी है, हुक्स लगे हुए पीछे बस। बाकी आगे का क्या प्लान है मैम, अभी क्या करेंगे हम आगे कैसा, इन फ्यूचर डेज? नहीं नहीं अभी अभी चलते हैं नीचे, नीचे जाके आते हैं देख कर आते हैं कैसा है। तो गाइस अभी के सीन्स, हम जा रहे हैं राइड पर और छोटी सी राइड है, ज़्यादा लंबी राइड नहीं मारेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया किसी ट्रेल पे गए, तो खुद को क्या बोलते हैं रेगुलर रखना मेंटेन है, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग बस। बाकी ट्रेल जब शुरू होगा ना तब वीडियो स्टार्ट करेंगे, बाकी मज़े लेना आप वीडियो के, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बनता है, और वीडियो को लाइक करना तो शुरू कर ही दीजिए आप। देर सार लाइक्स, यस। तो जी ज़्यादा ऑफ रोड करने को नहीं है क्योंकि जो हमारा मेन ट्रैक है वो इट्स गॉन, लास्ट टाइम जो फ्लड आया तो इट्स टोटली गॉन, जंग लग गया गाइस शरीर में। अगर आपने ध्यान से ये क्लिप देखी होगी, यू विल सी, यू विल नोटिस बोथ ऑफ अस हैव गॉटन रेस्टेड बहुत ज़्यादा, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस, सो एक दिन वन डे विल बी बैक। सो बाकी अपने बंदे अगर आपको दिख रहे होंगे तो आके बैठे हैं, अभी चलते हैं वहाँ पे, लेट्स सी। इन शूज के साथ थोड़ा वो अभी काफ़ी स्टिफ है, ये बूट्स हैं, न्यू बूट्स हैं तो काफ़ी स्टिफ हैं, तो वो एंगल नहीं बैठ पा रहा है अभी, और उद्घाटन हो गया है कपड़ों का, हेलमेट का, यू कैन सी द डर्ट, ऑल गुड। तो गाइस अभी पूरी टीम यहीं आ गई है प्लेग्राउंड में, पहले मैं भी आता रैकी मारने ना, पर स्कूटर यहाँ पे नहीं चल रहा है, रोटेशन टायर रोटेशन ज़्यादा है ना, एक तो गंजा है पिछला टायर तो इसको रहने देते हैं, इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता मैं, अभी अभी ताज़ा इंजन डला है, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और इन्जॉय लेते हैं, वो देख रहे हैं आप वहाँ पे। तो गाइस अभी मैं GoPro ऑन करना भूल गया था, मैंने चलाया अभी थोड़ी देर यहाँ पे ना, पर मैं GoPro ऑन करना भूल गया था, पर अब माम की बारी है, माम जाएंगे अब उठते हुए, बढ़िया बढ़िया बैंड माना हुआ मजा
वो वहाँ पे बंदे क्रैश हो गए हैं। वैसे काफी सही जगह यार है। चेन लूज़ हो गया भाई, कि लूज़ क्या, रेत फंस गया चेन में, उसकी वजह से कड़क कड़क की आवाज़ कर रहा है ना, पर नॉट अ बिग इशू। अभी इसको घर जाके जेट के साथ साफ़ करेंगे, ऑल क्लियर। फिर मारेंगे इसमें तेल, कौन सा पी मार का। सो गाइस, ऐसा ऐसा था आज का दिन, हमारा वीकेंड, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। टाइम अपडेट, इट्स 4:30 और यहाँ के चेक आउट कर ही सकते हैं आप सारा, मतलब खुद चुका है यहाँ पे, लूज सेंड कर दिया सब जगह यहाँ पे वही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकेंड तक, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।